सर जरा मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा ज्ञान तो क्या होगा, पर मेरा इमोशन जरूर है, तो इसको जरा ध्यान से मेरी बात, बस छोटा सा समय लूंगा। जो अनुभव किया ये इस कार्यशाला के लिए, तीन शीर्षक मेरे सामने है कि मेरी नजर में यह कार्यशाला, मेरे लिए यह कार्यशाला और इस कार्यशाला की संभावना है। कल महेंद्र जी बता रहे थे कि मैं इस कार्यशाला में आने के लिए बड़ा आनाकानी कर रहा था, और आपने कल कहा था कि, तो सचमुच मैं आनाकानी कर रहा था और बहुत ही बेमन से आया था, लेकिन आज अब यहाँ खड़ा होकर अनुभव करता हूँ कि यदि मैं अपनी उस जिद पर अड़ा रह गया होता और महेंद्र जी की बात न मानी होती तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ मुझे छूट गया होता जो मिला, तो इसके लिए मैं महेंद्र जी और रमाकर जी का आभारी हूँ। जब हम लोग तीन दिनों से बात कर रहे हैं मातृभाषा में, सब कोई सबने अपनी अपनी मातृभाषा में महाभारत के आत्मसातीकरण पर बात की है, केवल प्रोफेसर देवेंद्र जी ने मौलिक रचना पर बात की है, यद्यपि उनकी बातचीत में भी उड़िया की रचनाओं की चर्चा थी, बाकी हम सब ने अपनी अपनी मातृभाषा में महाकाव्य महाभारत का जो आत्मसातीकरण हुआ है उस पर हमने बात की है। ये मातृभाषा की याद आते हुए ही ये इस कार्यशाला की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे दिख रही है कि शायद ये मकबूल भाई के की सलाह और इस सहयोग से हुआ है या महेंद्र जी की अंतस प्रेरणा है कि इस कार्यशाला में बांग्लादेश का भी की भी भागीदारी होगी। मातृभाषा की याद आते ही मैं बांग्लादेश को हर वर्ष 21 फरवरी को दिल्ली में मेरा बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, क्योंकि सारी राजनीति तो वही होती है, तो पर्व त्योहार सब कुछ की राजनीति दिल्ली में होती है, इन दिनों मातृभाषा की भी राजनीति होने लगी है और 21 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, तो बांग्लादेश को बिग सैल्यूट, जिसने जहां के नौजवानों ने मातृभाषा के नाम पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी जो संसार के किसी भी देश का कोई भी नागरिक आज तक नहीं दे पाया है, और वह तारीख यूनेस्को द्वारा पूरे संसार में लागू होता है, ये एक बड़ी उपलब्धि इस कार्यशाला की रही। आमतौर पर लगभग पिछले 32-34 वर्षों से कार्यशाला संगोष्ठी कर रहा हूं और जाकर उसमें भाग लेता रहा हूं, ऐसी कार्यशाला मेरे जीवन में कम आई है। सामान्यतया जिन विद्वानों को बुलाया जाता है वो अहंकार से लदे हुए पहुंचते हैं वहां, उन्हें लगता है कि अगला कदम रखूं तो शायद धरती धंस जाए। यह पहली कार्यशाला मुझे दिखी, या कुछ गिनी चुनी कार्यशालाओं में से एक दिखी, जहां कोई अपने विद्वता के बोझ से दबे हुए नहीं प्रतीत हुए, सबने अपनी अपनी बात, अपने साहित्य की बात रखी, यह एक बड़ी बात है। साहित्य में चूंकि आलोचना लिखता हूं, तो मैं ये आलोचना लिखते हुए मैं हर समय महसूस करता रहा हूं, आधुनिक साहित्य की जब कभी व्याख्या देखता हूं तो लगता है कि आज के जो स्वातंत्र्योत्तर काल के जितने भी नए साहित्यकार हुए हैं उन्हें जब अपने समय की किसी भी परिस्थिति को, अपने समय के किसी भी क्रूर यथार्थ को अभिव्यक्ति देने में जब उनके समक्ष मजबूरी आ खड़ी होती है, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब उन्हें अपना अतीत याद आता है, अपनी विरासत याद आती है। जाहिर है हम सारे लोग अपने अपने भीतरों को
जो हर वर्ष उनके जन्मदिन पर या उनकी उनके अवसान तिथि पर जो उन्हें याद करते हैं और वर्षी वार्षिक श्राद्ध वगैरह जो भी करते हैं उसके पीछे संभवतः हमारे पूर्वजों ने जो जब यह परंपरा शुरू हुई होगी तो यही धारणा रही होगी कि ऐसी परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने क्या किया। महाभारत की जिन घटनाओं को हम देखना शुरू करते हैं और उसमें जो ही कोई कहानी दिखती है तो उस कहानी को देखकर हमें यह सबक लेना चाहिए। जैसे आजकल बहुत जोर शोर से विमर्शवादी नीतियों में शुरू हो गया है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि तुलसीदास स्त्री विरोधी थे। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई आप सीता के पक्ष में जो ये तीर धनुष या गदा तलवार पिस्तौल लेकर खड़े हुए हैं आपको मालूम है कि आपसे कहीं ज्यादा शक्तिवती सीता थी। सीता का शोषण और सीता के पर अन्याय किसी ने नहीं किया था। वे यदि चाहती तो पल भर में सब कुछ बदल सकती थी लेकिन जिन हमारे पुराने रचनाकारों ने वह जो आपके सामने परिस्थितियां रखी है कि यदि सीता राम के साथ जंगल में गई होती, जिद न ठानी होती कि मैं राम के साथ जाऊंगी तो क्या राम रावण युद्ध होता? यदि सीता ने स्वर्ण मृग के लिए राम को मजबूर न किया होता तो क्या राम कुटी से जाते? यदि उन्होंने लक्ष्मण को कुटी से बाहर जाने के लिए मजबूर न किया होता तो क्या वैसा होता जैसा हुआ? यदि सीता ने लक्ष्मण की हिदायत के बावजूद लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो रावण के बूते का था कि वो सीता का हरण कर लेता। ये सारी गलतियां सीता ने की। हमें अब सीता के पक्ष में खड़े होने के बजाय ये देखना चाहिए कि इन गलतियों से यदि सीता बच गई होती तो ये विपरीत परिस्थितियां नहीं आई होती। लेकिन अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि सीता की चतुराई कितनी थी, उनको राम की शक्ति का आभास था। तो जब रावण हरण करते हुए लिए जा रही हैं, तो रास्ते भर अपने आभूषण अपने वस्त्र गिराती गई है। राम जैसे शक्तिशाली को यदि सीता ने यह अवसर न दिया होता तो राम कतई विजयी नहीं हो पाते। राम जैसे शक्तिशाली को लवकुश से लड़ते हुए यदि सीता ने अंतिम में जब राम लड़ने के लिए आए और सीता ने लव को रोक न लिया होता तो राम की सारी मर्यादा पुरुषोत्तम की पद्धति धरी की धरी रह जाती और राम लवकुश से निश्चय ही पराजित होते। राम की मर्यादा सीता ने रखी है। ये विमर्शवादियों को इन सब चीजों से सोचना चाहिए। तो हमारे समय में जो कुछ ऐसा होता है ये सब किसी भी टेक्स्ट को देखते समय विमर्श के फरमे से बाहर समाज और ज्ञान और मानवीय विवेक के फरमे से हमें देखने की जरूरत है। ऐसा इस गोष्ठी में महाभारत कथा के आत्मसातीकरण अप्रोप्रिएशन ऑफ द कृष्ण कथा इन द रीजनल लैंग्वेजेज और वेरियस लैंग्वेजेज जो भी कहें ये इसमें देखने को मिला। यह एक बड़ी बात है। निश्चय ही इसमें उड़िया भाषा से कुछ भागीदारी की संख्या ज्यादा है। मैं समझता हूं कि यदि इसमें जो भी चूंकि बहुत दिनों तक मैंने प्रकाशन सिस्टम में काम किया है तो कुछ बात जो उस दिशा की जानता हूं मैं यह प्रस्ताव रखता हूं। अब बाकी आगे क्या होगा ये तो रमाकर जी और महेंद्र जी मिलकर तय करेंगे। इन इसमें इस गोष्ठी में जितने भी पर्चे पढ़े गए सारे लोग अपने अपने पर्चे डिस्कशन के बाद उसको जिस तरह से दुरुस्त करें वे करके दे दें और इसका एक साथ अंग्रेजी और हिंदी आप माफ कीजिएगा कि मैं मैथिली नहीं कह रहा हूं मैं उड़िया नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उड़िया से और बंगला से कोई द्वेष है लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस जो तेलुगु भाषी यहां नहीं है वे भी शायद पढ़ पाएंगे। संभव है उड़िया
जिस तेलुगु भाषी को आती होगी वही पढ़ पाएगा, तो इसका एक बराबर समानांतर रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका संस्करण आए, क्योंकि सामान्यतया जो जैसा मैंने कहा कि पिछले 32-33 वर्षों से जो कार्यशालाओं में जाता हूं तो या संगोष्ठियों में, तो वह एक बुद्ध विलास बनकर रह जाता है। परवर्ती पीढ़ी को उस या जो उस संगोष्ठी में ना आए रहते हैं, ज्यादातर तो आए भी रहते हैं, वे भी गेट से बाहर जाकर अपना भूल झाड़ने की तरह निकल लेते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, पर इतनी अच्छी कार्यशाला हुई है तो इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में एक संस्करण आए। उस संस्करण का हम सब अपने अपने पर्चे महन जी के को और रमाकर जी को उपलब्ध कराते हैं। इसमें एक चीज का हम लोग जो हम सबके पाठ पर है कि जिस पाठ की हम चर्चा करते हैं उसके प्रमाणिक संदर्भ की वह किताब प्राथमिक तौर पर किस वर्ष में छपी, संभव हो तो किस वर्ष में लिखी गई, और जाहिर है कि अब उसमें उसका उस समय का समसामयिक संदर्भ भी हम दें और इस संदर्भ के साथ ये पाठ सब इन्हें उपलब्ध हो जाए। हो सके महन जी तो कुछ जगह की चीजों का जो इसमें समावेश नहीं हो सका, जैसे कि परसों भाई रमन जी ने सवाल किया कि ओडिया में इतने महाभारत क्यों लिखे गए हैं, तो मैंने अपने अभिप्रेत से एक धारणा यह बनाई कि युद्ध क्षेत्र जो है इधर तो बंगाल तक खत्म हो जाता था, तो ये आंतरिक कलह को अपने से और अपने पड़ोसियों से अपने भाइयों से अलग होने के कारण और यहाँ के की जमींदारी प्रथा से संभवतः, ये सारा मेरा अनुमान ही है, उसमें से एक अनुमान मुझे यह भी लगता है कि कृष्ण और युधिष्ठिर ने अर्जुन को जो संबंध ये सामरिक संबंध बनाने के लिए जो भेजा था, तो नॉर्थ ईस्ट में अर्जुन ने दो तीन जगह विवाह किया था, ये बबलुवाहन भी नील के संतान थे और इन सब चीजों पर भी महाकाव्य लिखा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट के ये नागदेश और ये जो इम्फाल वगैरह हैं, मणिपुरी है, तो इन सब के कुछ यदि अच्छे लेखक एक कैंसुला हैं, बड़ी बहुत अच्छा लिखती हैं, वो तो अंग्रेजी में ही लिखती हैं, तो इन सब से यदि कुछ जो नहीं आ पाए हैं वैसे भी एक आध टेक्स्ट यदि मेहनत करके इधर से उपलब्ध करा लिया जाए तो संभवतः यह वॉल्यूम कुछ ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। मैथिली के लिए मैं एक उदाहरण ये एक सलाह देता हूँ कि आप मेरे कहने से तो नहीं मानेंगे लेकिन आपके कहने से शायद मान जाए, भाई रमानंद रमन पटना में रहते हैं और पटना में एक बहुत बड़े, कल मैंने जिक्र किया था, बहुत बड़े प्रगतिशील बुजुर्ग नौजवान 96 वर्ष की आयु है उनकी, पंडित गोविंद झा, वे अब इतने संयोजित ढंग से कुछ लिख सकेंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन महाव्याकरण दीनबंधु झा के वे पुत्र हैं और संस्कृत अंग्रेजी मैथिली उड़िया और कई इधर पूर्वांचलीय भाषाओं का ज्ञान उनको है, बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, उनसे एक इस दिशा में यदि भाई रमन जी आयोजित कर सकें और उनसे कुछ सघन बातचीत करके ये आपको कुछ उपलब्ध करा सके तो शायद यह वॉल्यूम कुछ और महत्वपूर्ण हो सकेगा। एक और आप इसमें इंतजाम यदि कर दें तो ये तो इतने पूर्वांचलीय भाषाओं का टेक्स्ट सारा आ रहा है, एक किसी ऐसे व्यक्ति को जो भाषा वैज्ञानिक हो और कई भाषाओं का अनुवाद से ही सही भारतीय कुछ ज्यादा भारतीय भाषाओं का जिनके पास सामर्थ्य हो, वे एक सारी भाषाओं का समावेश न भी हो तो कम से कम 10-12 भाषाओं का तो हो ही जाए कि भारतीय साहित्य में महाभारत को कैसे कैसे लिया गया है और ऐसे पांडित्यपूर्ण लेख और या विद्वान का हम लोग
दूर से ही प्रणाम कर लें, जिनको ये लगे कि ये सारे रिटेलिंग जो है ये बादरायन से लिया गया है, ये सब अपने अपने समय में अपने अपने राज्य में अपने अपने क्षेत्र में सबने अपने भूख से लिया है। किसी को बादरायन ने सिर्फ ज्ञान दिया है, उनको लिखने की प्रेरणा बादरायन ने नहीं दी, लिखने की प्रेरणा उनको भूख से मिली है। इस सभी वॉल्यूम के साथ एक बेहतरीन संकलन आए और आप दोनों मिलकर इसका एक बहुत ही लंबा सा समृद्ध एक इसकी भूमिका लिखें और हिंदी और अंग्रेजी में ये दोनों प्रकाशित हो, यह मेरी प्रस्तावना है। आप सब यदि मेरी बात से सहमत हैं तो ताली बजा देंगे तो ये लोग मान लेंगे कि शायद मैंने सही कहा है। और मुझे कल शाम जब मैं यहाँ से कार्यशाला समाप्त हुई है, थोड़ी सी दो तीन लाइन में अपनी भावनाओं की बात, भाई रमन जी के साथ समुद्र किनारे गया और किनारे जाने के बाद इन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा पैर धो लेते हैं, तो मैं सिहर्ष आ गया कि समुद्र जैसी शक्तिशाली जिनकी इतनी शक्ति है उसमें अपना पैर मैं कैसे डाल, शायद मैं समुद्र को मेरे इस भय का बोध हुआ और सोच ही रहा था कि पूरा आया और मेरे घुटने तक पानी भीग मैं भीग गया। मैंने समुद्र देवता को प्रणाम किया और आज सुबह मैं कह रहा था रमन जी से कि कितने भी हम नास्तिक हो जाएं पर ऐसी शक्तियों के सामने आकर सिर झुकाना पड़ता है। आज सुबह भी जब जा रहा था तो देखा कि दो स्थितियां की, उधर से आ रहा था तरंग आया और कई सारे लोग जो उसमें चलते गए वे गिर जाते थे, लेकिन जब जब तरंग सामने आता तो हम दोनों रुक जाते थे और हम हिल नहीं पाते थे। संभवतः समुद्र को एक बोध होता होगा कि ये मेरा सम्मान कर रहा है, मुझसे डर गया है, लेकिन तुरंत आगे देखा कि छोटे छोटे बच्चे इतने क्रोध में जो तरंग आ रहा था और बच्चे मुस्कुरा रहे थे। संभवतः उस समय समुद्र को यह भी बोध हो रहा होगा कि बच्चों के सामने कोई क्रोध नहीं चलेगा और वे बच्चे वैसे ही बैठे रहते। ऐसे समुद्र जिसको देखकर जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य लिखा और अब इस आधी सदी पार करने के बाद की आयु तक जयशंकर प्रसाद की नजर से जिस समुद्र इसी समुद्र को देखकर उन्होंने महाकाव्य लिखा था, उस समुद्र को 3 दिनों से अपनी नजरों से देखा। महन जी, रमाकर जी, आपको मेरे जीवन में यह अनुभव देने के लिए बहुत बहुत आभार। और जिस जगन्नाथपुरी के लिए भाई रमन जी ने कल कहा था कि बाबा जी विराजे उड़िया देश में, वो इसी जगन्नाथपुरी की चर्चा बचपन से लोकगीतों में जो सुनता रहा हूँ, उस मंदिर के कोने कोने को दिखाया भाई उदयनाथ साहू जी ने, मैं इन तीनों का आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यह अवसर मिला। कल भी सुना, आज भी सुना, परसों भी सुना, सुनने का के लिए अलग से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार बर सुखसार पावती।